जो साथ दे उन्हें साथ रखो, लेकिन दगाबाजों को औकात में रखो। जिसे हम प्रेम करते हैं, दर्द भी हमें उसी से मिलता है। आखिर लोग ऐसे क्यों होते हैं? जब उन्हें अपने मतलब की बात करनी होती है तो वो कितने अच्छे से बात करते हैं, और जब मतलब नहीं होता तो अंदाज ही बदल लेते हैं। इंसान चाहे खुद को कितना भी व्यस्त कर ले, लेकिन जिससे उसने प्रेम किया है उसकी यादों से वो कभी बच नहीं सकता। तुम अच्छे हो तो बन के दिखाओ, हम अगर बुरे हैं तो साबित करो। जो नहीं करना था वही किया मैंने, अपनों पर भरोसा कुछ ज्यादा ही किया मैंने। तुझसे इतना प्यार क्यों किया? कभी कभी ये सोचकर मुझे खुद से ही नफरत हो जाती है। वक्त खराब था, इसमें सवाल कैसा? अपने ही गैर थे, इसमें मलाल कैसा? हालात, किस्मत, इंसान और जिंदगी, वक्त के साथ साथ सब बदल जाते हैं। जिंदगी सुकून से गुजारने के लिए कभी कभी जिद्दी भी होना पड़ता है। सालों गुजर गए हैं मगर फिर भी कमाल है, इस दिल में अब तक सिर्फ तेरे ही ख्याल है। ना हम सफर ना किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा सिर्फ हमी से निकलेगा। लफ्ज कितनी भी समझदारी से इस्तेमाल कीजिए, फिर भी सुनने वाला अपनी काबिलियत और अपनी सोच के मुताबिक ही उसका मतलब निकालेगा। परिस्थितियां स्वभाव बदल देती है, इंसान तो कल भी वही था और आज भी वही है। सत्य को ख्वाहिश होती है कि उसे सब जान ले, और झूठ को हमेशा डर लगा रहता है कि कोई उसे पहचान न ले। कदर किया करो उनकी जो तुम्हारे बुरे रवैये के बाद भी तुमसे अच्छे से बात करते हैं। पत्थर भले ही आखिरी चोट से टूटता है, परंतु पहली चोट कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक बात मेरी याद रखना कि कोई किसी का नहीं होता है। आप अपनी खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लो, लेकिन अपने गम, अपने दर्द, अपना दुख सिर्फ भरोसेमंद के साथ ही बांटना चाहिए। कुछ ऐसे हो रहा है रिश्तों का विस्तार, जिससे जितना मतलब उससे उतना प्यार। सही निर्णय भी गलत हो जाता है अगर वो देर से लिया जाता है। उदासी तुम पर भी बीतेगी तो तुम भी जानोगे कि कितना दर्द होता है किसी को नजरअंदाज करने में। मुझे मत सिखाइए कि जिंदगी कैसे जीते हैं, आप मुझसे सीखिए कि जिंदा रहकर गम को कैसे पीते हैं। महसूस कर रहे हैं तेरी लापरवाही कुछ दिनों से, याद रखना अगर हम बदल गए तो मनाना तेरे बस की बात नहीं है। क्यों चिंता करते हो यदि लोग तुम्हें नहीं समझते? वास्तव में तो चिंता तुम्हें तब करनी चाहिए जब तुम खुद को ही ना समझ पाओ। इंसान की संपत्ति ना दौलत है ना धन है, उसकी संपत्ति तो उसका हंसता हुआ परिवार और उसका प्रसन्न मन है। जिंदगी में एक ही उसूल रखो, यारी में गद्दारी नहीं और गद्दारों के साथ यारी नहीं। कौन कब किसका और कितना अपना है ये सिर्फ वक्त बताता है। अक्सर वही दिए हाथों को चला देते हैं जिनको हम हवा से बचा रहे होते हैं। यूं तो भूले हैं हम कई लोग पहले भी बहुत से, पर तुम जितना उनमें से कोई याद नहीं आया। आप किसी से सिर्फ उतना ही मिलो जितना वो आपसे मिलना चाहता। पैसों के पास जुबान तो नहीं है पर वो बोलता बहुत कुछ है। बिना आवाज के रोना रोने से ज्यादा दर्द देता है। धोखेबाज लोग धोखा देंगे और फिर बाद में अपनी मजबूरियां गिनाएंगे। जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी मत करना। जब इंसान का वक्त बदलता है तो गैरों से ज्यादा अपने जलते हैं। रात के 12 बजे के बाद वही लोग याद आते हैं जिन्होंने आपकी जिंदगी के 12 बजा दिए हों। अगर तुम्हारी नीयत सही है तो आपको गलत रास्ते भी सही मंजिल तक ले जाते हैं। किसी ने मुझसे पूछा कि हम सफर कैसा होना चाहिए? मैंने कहा हम सफर ऐसा होना चाहिए जो एक बार अगर तुम्हारा हाथ थाम ले तो फिर कभी ना छोड़े, तुमसे रिश्ता कभी ना तोड़े, चाहे सारी दुनिया तुम्हें गलत कहे, लेकिन अपना भरोसा वो तुम पर कभी ना तोड़े। मतलब से मिलने वाले लोग किसी से मिलने का मतलब कभी नहीं समझ सकते। याद रखना एक बात, आपकी फीलिंग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। वही रिश्ता ज्यादा सफल रहता है जहाँ पैसों का लेन देन कम और प्यार का लेन देन ज्यादा रहता है। आपको जब किसी के साथ फासला महसूस होने लगे
तो आपको फासला बना भी लेना चाहिए। जिंदगी में जब बुरे हालात घेर लेते हैं तब आपके अपने भी आपसे नजरें फेर लेते हैं। काश कि मेरा दिल भी पत्थर का होता, फिर चाहे कितनी भी चोट लगती लेकिन मुझे असर नहीं होता। गलतियां जीवन का हिस्सा होती हैं, लेकिन इसे स्वीकार करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। जिंदगी में कोई एक ऐसा इंसान जरूर पसंद करना जिसे तुम्हारे अलावा और कोई पसंद ना हो। अच्छे इंसान को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, ना कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम को देखेगा। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। कोई आपसे नाराज है और उसे ये गुरूर है कि आप उसे मना लोगे, तो आप उसका ये गुरूर कभी टूटने मत देना। जिस दिन हम खुद को पहचान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई और हमारे बारे में क्या सोचता है। क्या गजब का वक्त दिखाया है प्रकृति ने। जो बीमार होगा वो अकेला रहेगा, और जो अकेला रहेगा वो बीमार नहीं होगा। आपकी पहचान बड़े लोगों से नहीं, बल्कि आपका साथ देने वाले लोगों से होनी चाहिए। जो इंसान अपने मन की तकलीफों को, अपने दर्द को पता नहीं पाता, उस इंसान को ही सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। खामोश रहकर जो जवाब दिया जाए वो सामने वाले को हिलाकर रख देता है। जिस इंसान में अहंकार होता है वो ना तो अच्छा प्रेमी बन सकता है और ना ही एक अच्छा मित्र बन सकता है। कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती जिसे आप छोड़ नहीं सकते, बस आपको अंदर से एक बार मजबूत इरादा करने की देर है। सही गलत कुछ नहीं, तेरे लिए तू सही और मेरे लिए मैं सही। मेरी पसंद है चुप रहना, लेकिन इसे मेरी कमजोरी मत समझना। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर दूसरों को ज्ञान दो। समझौता किश्तों का किया जाता है, रिश्तों का नहीं। वक्त के साथ चलना कोई जरूरी नहीं, आप सच के साथ चलिए, देखना एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। सोचते हैं हम भी सीख ले बेरुखी करना सबसे, सबकी कदर करते करते हमने अपनी ही कदर खो दी है। तन्हा रहना नजरअंदाज होने से कई गुना बेहतर है। जिनकी वफा पर नाज था हमने उनके हमराज बदलते देखे हैं, और हालात बदलते ही लोगों के अंदाज बदलते देखे हैं। आज के युग में सच्चा प्यार हार रहा है, और खुश वही है जो 10 जगह मुंह मार रहा है। मुझसे दिखावे की मोहब्बत जताने का कोई फायदा नहीं, मेरा दिल तो वहीं बिकेगा जहां मेरे जज्बातों की कदर होगी। मैं कल क्या था ये कुछ लोग जानते हैं, पर मैं कल क्या बनूंगा ये पूरी दुनिया जानेगी। दर्द के सिवा मिला ही क्या है मुझे, अपनों से भी और सपनों से भी। इतने काबिल बनो कि कोई आपसे ये न बोल सके कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। मेरी ये शायरियां गवाह है कि दिल लगाने वाले तबाह हैं। मुश्किलें हमें तब दिखाई देती हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके साथ रहना भी मुश्किल होता है, और उनके बगैर रहना भी बहुत मुश्किल होता है। हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। कोशिश इतनी है कि कोई रूठे ना हमसे, वरना नजरअंदाज करने वालों से हम नजर भी नहीं मिलाते। इंसान कोशिश यही करे कि वो दूसरों की गलतियों से सीख ले, क्योंकि किसी के पास भी इतना जीवन नहीं है कि वो गलतियां कर करके सीखे। जब कोई आपको अनदेखा करने लग जाए तो एक बात कहूं, आप खामोशी से उसकी जिंदगी से ही दूर चले जाना। बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। मुझे उन लोगों से दिक्कत नहीं जो मुझे पसंद नहीं करते, मुझे दिक्कत उन लोगों से है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। यहाँ हर किसी को दरारों में झांकने की आदत है, अगर दरवाजा खोल दो तो कोई पूछने भी नहीं आता। गलती पीठ की तरह होती है, औरों की तो दिखती है पर अपनी नहीं दिखती। जिसकी जैसी नीयत
वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। दुनिया में रहने की दो सबसे अच्छी जगह, या तो किसी के दिल में रहो या किसी की दुआओं में रहो। जब भी कोई मेरे पीठ पीछे बात करता है तो मुझे खुशी होती है। कम से कम उनकी मेरे मुंह पर बोलने की औकात नहीं है। हम सफर हो तो हालात बदलने वाला हो, हालात के साथ बदलने वाला नहीं। लोग कहते हैं कि समय के साथ दर्द कम हो जाता है, लेकिन सच तो यह है कि समय के साथ इंसान को उस दर्द को सहने की आदत हो जाती है। तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। एक सच्चा प्यार करने वाला आपके प्यार से भी ज्यादा आपकी इज्जत का ख्याल करता है। यकीन मानिए, बिना करियर के ना कोई इज्जत है और ना कोई सुख है। इसीलिए मेहनत कीजिए और अपना करियर बनाइए। जीवन की इस यात्रा में आपको दूसरों से ज्यादा अपने आप की जरूरत है। कुछ वक्त ईश्वर को देने से आपका खुद का वक्त सुधर जाता है। कुछ लोग धोखा देकर भी खुद को गलत नहीं मानते और कुछ लोग धोखा खाकर भी खुद को ही गलत मानते हैं। इंसान की बुद्धिमानी उसके चेहरे और कपड़ों से नहीं, बल्कि उसकी आदतों और बातचीत करने के तरीके से झलकती है। सबकी शिकवे मिटाने का ठेका मत लो, क्योंकि वो तो कभी खत्म नहीं होने वाले। जिसमें गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं है, वो खुद भी गलत है। अगर आप वक्त की कदर करना सीख गए तो समझ लेना आपने जीवन की आधी मुश्किलों को समाप्त कर लिया है। अपनी कीमत आप स्वयं तय कीजिए। अगर दुनिया को तय करने देंगे तो दुनिया आपको बेच खाएगी। वास्तविक प्रेम का अनुभव कभी सुख में नहीं होता, बल्कि सच्चे और झूठे प्रेम का पता वो दुख में चलता है। हार से मत घबराओ, क्योंकि जो सब कुछ हार जाता है उसके पास जीतने के अलावा कुछ बचता ही नहीं। मायूस मत हो बंदे, तेरा वजूद छोटा नहीं। अरे तू वो कर सकता है जो किसी ने भी सोचा नहीं। जो प्रयास करना नहीं जानते उन्हें हर समस्या बड़ी लगती है। कोई बताएगा कि आखिर कितना चाहना पड़ता है एक शख्स को कि वो किसी और को ना चाहे। अरे तुम्हें मोहब्बत कहाँ थी, सिर्फ दिल लगी थी। वरना सच्ची मोहब्बत में पल भर का बिछड़ना भी तेरे लिए कयामत होता। किसी को खोकर उसकी कीमत समझ आती है, चाहे कोई रिश्ता हो या कोई चीज हो। इसलिए वक्त रहते कदर करना सीखो, क्योंकि वक्त निकल जाने के बाद सिर्फ पछतावा ही बचता है। कुछ अधूरापन था जो पूरा हुआ ही नहीं, कोई मेरा था जो कभी मेरा हुआ ही नहीं। जिम्मेदारियां भी खूब इम्तिहान लेती है, जो निभाता है उसी को परेशान करती है। जिंदगी तो सस्ती है, बस गुजारने के तरीके महंगे हैं। अपनी तो जिंदगी ऐसी ही है जनाब, जमीन मिली तो बंजर और दोस्त मिले तो खंजर। कर्म आकाश की ओर फेंके गए उन पत्थर के समान है, जो लौटकर उसी पर गिरता है जिसने उसे फेंका था।